केएल नदी में नवयुवकों की मौत और भ्रष्टाचार के खिलाफ देवाल में आयोजित हुआ सर्वदलीय धरना। चमोली जिले के विकासखंड देवाल में विगत 18-19 नवम्बर को केएल नदी में डूबकर हुई मौत एवं सरकारी विभाग में हो रही वित्तीय अनियमितता के खिलाफ देवाल बाजार में सांकेतिक धरना दिया गया। कुछ दिन पूर्व राजकीय इंटर कॉलेज देवाल में कक्षा 9 और कक्षा 11 में अध्ययनरत 4 छात्रों की कल श्रीनगर गांव के नीचे केएल नदी में बने एक तालाब में डूबने से मौत होने के बाद बुधवार को देवाल बाजार में एक सर्वदलीय धरना दिया गया, जिसमें वक्ताओं ने आशंका जताई कि किशोरों की मौत अचानक डूबने से नहीं बल्कि अज्ञात नशे के सेवन के बाद नदी में उतरने के कारण हुई है। वक्ताओं ने देवाल के व्यापारियों से 18 से कम उम्र के नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं किए जाने की अपील की और पुलिस प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के दौरान मामले का खुलासा नहीं होने पर जन आंदोलन छिड़ जाएगा। वही वक्ताओं ने सरकारी विभाग में हो रही अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। धरना स्थल पर चारों किशोरों की आकस्मिक मौत पर उन्हें 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कांग्रेसी नेता गोविंद पांगती, महावीर बिष्ट, लाखन रावत, प्रताप राम, किशोर खुनियाल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कमल गड़िया, मनोज परिहार, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष नंदन गड़िया, कुंवर सिंह गड़िया, शेखर मिश्रा, के डी कुनियाल, पुष्कर परशुराम आदि ने अपने विचार रखे। वहीं खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया। देवाल से हरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। तब जाकर उस काम को तोड़कर दोबारा बनाएगा। नवाजंग में 2 करोड़ की पार्किंग बन रही थी, सारनपुर का आदमी बनाकर उसको जाना था और पैसे लेकर भाग गया था। अगर शिकायत नहीं होती हो 2 करोड़ रुपया लेकर भाग गया था, आज दोबारा बन रहा है। कितने प्रधान गए होंगे उस नवाजंग से, कितने जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत गुजरे होंगे।